नव भारत समाचार चमोली से सोनू उनियाल की रिपोर्ट। चमोली जिले के गैरसैन में कोरोना पॉजिटिव मिलने का असर आज बाजारों में देखने को मिला। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में बाजार में सन्नाटा छाया रहा। बता दें कल देर रात गैरसैन के पंजियाना निवासी जो हाल ही में दिल्ली से लौटा था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। देर रात को ही प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को जिला अस्पताल गोपेश्वर में आइसोलेट कर दिया। जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने बताया कि वो व्यक्ति 15 मई को अपनी पत्नी और बच्चों सहित लौटे। इस व्यक्ति का कोरोना सैंपल 17 तारीख को लेकर जांच के लिए श्रीनगर लैब में भेजा गया था। कल जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीज को गोपेश्वर के कोविड 19 जिला चिकित्सालय में रात को ही भर्ती करा दिया गया है। वहीं कोरोना संक्रमित मरीज के परिवार को प्रशासन द्वारा आइसोलेट कर दिया गया है। साथ ही मरीज की ट्रेवल हिस्ट्री को निकाल कर संपर्क में आए अन्य लोगों से भी संपर्क किया जा रहा है व उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी से पैनिक ना होने की अपील की है। ये कल 32 ईयर ओल्ड एक मोहन सिंह नामक व्यक्ति थे जो कि दिल्ली से हमारे जनपद में 15 तारीख को आए थे। पंजियाड़ा गांव के निवासी हैं, तो वो पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके सभी कॉन्टैक्ट्स को आइसोलेट कर दिया गया जीएमए इंडिया से। तो इसमें कोई भी पैनिक की बात नहीं है, बस प्रिकॉशंस की आवश्यकता है।